मक्के दी रोटी सरसों दा साग, इसके साथ मिल जाए लस्सी का गिलास, वाह क्या बात। 10 मिनट के लिए घोटा लगाऊंगी मैं इसमें बढ़िया करके, फिर दिखाते हैं आपको। आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग मक्के की रोटी, वो भी पंजाबी स्टाइल में। उसके लिए ले रखा है मैंने 2 गड्डी सरसों की और 1 गड्डी ले रखी है पालक की, 1 गड्डी ले रखी है मेथी की। अच्छी से इसको छांट लेते हैं। सरसों है मुलायम वाली बढ़िया सी, और पालक को हम अच्छे से छांट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसकी डंडी तोड़ देंगे और सब मिक्स कर लेते हैं इसी में। इधर मेरी पोती आ गई है, क्या हुआ? ओहो लग गई। ओहो कैसे गिरे आप, ये कैमरामैन ने गिरा दिया है? सॉरी बोलो उससे, सॉरी बोलोगा आपने गिरा दिया। ओहो बहुत एक्टिंग बाज मेरी पोती, लड़कियों की पता नहीं एक्टिंग इतनी क्या होती है। और आजकल के बच्चे बता दो, आजकल के बच्चे हाय कैसे करते हैं? हाय कर दो। तो मेरी पोती आ गई है, हाय थैंक यू भी कर दो, हाय करो। हाँ मेथी के जो टुके होते हैं उसको हम ऐसे करके तोड़ लेंगे इस तरीके से, डंडी नहीं डालेंगे। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है, वो भी पंजाबी स्टाइल में बनाने वाली हूँ आज मैं, तो दिखाते हैं आपको, तोड़ के दिखाती हूँ। आजकल मार्केट में बहुत आ रहे हैं क्योंकि जाड़ों का सीजन आ गया है। हरी भरी सब्जी खाओगे तो हेल्थ बनेगी, खून बढ़ेगा। अब बच्चों को भी देने चाहिए, ये वाली सब्जियाँ बहुत अच्छी होती है। हरा साग भी जाड़ों में ही मिलता है, गर्मियों में तो खाली चौलाई होती है, उगल होता है, पर जो टेस्टी सब्जी होती है वो जाड़ों की होती है, खून बढ़ाने वाली। आ गया है नल में पानी, सब्जी मैंने अच्छे से सुधार ली है, साफ करके हम धो लेंगे 3-4 पानी से, ऐसे ऐसे करके। कभी भी आप साग बनाओ तो सबसे पहले सब्जी को धो लेने चाहिए साफ करके। अगर आप पहले ही काट लोगे तो जो उसका विटामिन होता है वो सब पानी में चला जाता है, इसलिए हम सब्जी को पहले धो लेते हैं उसके बाद काटते हैं। सब्जी धो ली है, अब इसको हम बारीक काट लेते हैं चाकू से। बिल्कुल ताज़ी सब्जी है, एकदम कट जा रही है और गलने में भी एकदम जल्दी गल जाएगी। काट के हम इसको रखते हैं उबालने के लिए। पालक मेथी सरसों मैंने सब मिक्स कर दिया है इसमें, और मिक्स करके हम इसको काट रहे हैं। काट लेते हैं फिर दिखाती हूँ आपको। आग जला दी है मैंने, हम चढ़ाते हैं पानी। इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है, इसको करते हैं गर्म। और देरी नहीं करके हम काटते रहते हैं, और अपना जो सब्जी हमने काट ली है इसको इसमें डालते रहेंगे। काटते रहती हूँ, सब सब्जियों को डाल दूँगी। और अच्छे से उबालते हैं हम इसको 20 मिनट तक के लिए, बढ़िया करके अच्छी सी आग जलाएंगे, तो दिखाते हैं आपको गला के। काट के मैं सब डाल दूँगी इसमें, देखते हैं हमारे साग का क्या हाल हो रहा है। तो देखिए हमारा 1 लीटर जो पानी था सब सूख चुका है। अब हम डालेंगे इसमें हल्का सा नमक, 5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे इसको। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा निकाल देंगे बाहर कढ़ाई को। अब इसमें लगाना है हमने घोटा, बढ़िया सा घोटा। तो देखिए मैं लगा रही हूँ डाड़ू से, अगर आपके पास मट्ठा फानने वाला होगा तो आप उससे लगा सकते हो। खूब ऐसे ऐसे करके दबाना है हमने, इसको मक्खन बना देना है, घोट घोट के, घोट घोट के। तो ये पंजाबी स्टाइल घोटा है, पंजाब में लोग ऐसे घोट के बनाते हैं साग, तो आज वो इस स्टाइल से मैं बनाने वाली हूँ इसको। पंजाब में तो 2-2, 3-3 घंटे उबालने रख देते हैं इसको, तौले होते हैं बड़े बड़े। तो मेरी बहन भी है पंजाबी, वो ऐसी बनाती है, तो मैंने उससे सीखी पंजाबी रेसिपी, तो मुझे बताया उसने, मुझे बहुत अच्छा लगा और सीख भी गई मैं। कुछ ना कुछ रेसिपी मुझे बताते रहती है वो। 10 मिनट के लिए घोटा लगाऊंगी मैं इसमें बढ़िया करके, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए मैंने ले रखा है लहसुन और अदरक हरी मिर्च, इसको हम कूट लेते हैं, खूब सारा चाहिए। घोटा देखिए लगा दिया है मैंने, बिल्कुल मक्खन बना दिया है, ऐसी बनाना है हमने। अब लगाते हैं हम तड़का, तो अब करते हैं साग बनाने की तैयारी। इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल।
तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब जो मैंने लहसुन अदरक कूट रखा था सबसे पहले हम इसको डाल देंगे। इसको करते हैं हल्का सा ब्राउन। खुशबू आने लग गई है, मैंने काट रखा है बारीक प्याज, इसको भी डाल देंगे। इसको साथ पकाते हैं, प्याज और लहसुन अदरक को अच्छे से करेंगे ब्राउन। प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पिसा हुआ, जीरा पिसा हुआ, हल्की सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल रखी है इसमें, थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब अच्छे से करते हैं इसको मिक्स। तेल के साथ हमारे मसाले भी इसमें भुन चुके हैं, अब डाल देंगे हम इसमें अपना साग। ये देखिए प्याज के साथ हम इसको थोड़ा सा पकाते हैं, तेल जब तक छोड़े ना। अब ले रखा है मैंने 1.5 चम्मच मक्के का आटा, इसका बनाते हैं घोल पानी डाल के। मक्के का आटा अगर आपके पास नहीं है तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हो। इसमें मिलाएंगे और इसको घुमाएंगे अच्छे से। गुठलियाँ ना बने, फटाफट हमने इसको चलाना है। अब हल्का सा डालेंगे इसमें पानी और पानी से पकाते हैं इसको। देखते हैं हमारी सब्जी का क्या हाल हो रहा है। इतनी बढ़िया करके पक रही है धीमी धीमी आंच में। साग तो हमारा पक के रेडी हो चुका है, अब लगाएंगे हम जोरदार सा इसमें तड़का। इधर मैंने डाड़ू गरम कर दिया है, इसमें डाल देंगे हम तेल तड़के के लिए। गरम करते हैं थोड़ा तेल को, देंगे इसको डब्बे में। अब ले रखा है हमने तड़का, सब्जी के ऊपर ही रखेंगे इसको। डालेंगे इसमें जीरा 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब डाल देंगे हम सूखी लाल मिर्च साथ में इसको ही, और गरम करते हैं एक बार। जब मिर्च लाल हो जाएगी फिर लगा देंगे हम इसका छौंका। लगाते हैं छौंका। तड़का लग गया है, अब एक कमी और रह गई है इसमें घी, तो हम घी भी डालते हैं। 2 चम्मच घी डाल देंगे। तो रेसिपी बनके हो गई है हमारी तैयार, अब इसको हम निकाल देते हैं। तो देखिए कितनी शानदार बनी है। तो ये देखिए क्या लाजवाब रेसिपी बनी है साग। अब बनाते हैं मक्के की रोटी। तो इधर मैंने चढ़ा रखा है पैन, इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। पानी को उबलने देंगे, पानी गर्म हो गया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम नमक। 1 गिलास पानी है तो 2 गिलास हमारा मक्के का आटा है, इसमें हम धीरे धीरे करके इसको मिलाएंगे। ये गूंद रही हूँ मैं आटे को, ऐसे करके रोटियाँ जल्दी बन जाती हैं और फटती भी नहीं है। अच्छी से इसको मिला लेंगे, उसके बाद करेंगे इसको हल्का सा ठंडा। अगर आपके पास पानी कम पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी अलग से रख लेना गर्म। इसको करती हूँ मैं अच्छे से मिक्स, फिर दिखाते हैं आपको। इसको निकाल देंगे हम बाहर। अब तो गर्म पानी में ही इसको गूंद लेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए गर्म पानी में कितना बढ़िया आटा हो जाता है, शानदार सा। अब बनाते हैं हम मक्के की रोटी। तवा चढ़ा देते हैं और लकड़ी अच्छे से लगाते हैं। मक्के की रोटी ज़रा मोटी मोटी ही बनती है, तो देखिए थोड़ा सा मक्के का आटा लगाएंगे सूखा हुआ। अब हल्का हल्का करके बेलन से बेलेंगे। अगर आपको गोल चाहिए तो हम इसके कट करके बनाएंगे। अच्छे से बेली गया,
अब इधर हो गया हमारा तवा गरम, तो ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए डाल देंगे तवे में। क्या आसान तरीके से हमारी रोटी बन रही है। पलट देंगे रोटी को, एक साइड से पक गई होगी, ये देखिए चूल्हे की आँच इतनी बढ़िया होती है और बिल्कुल बढ़िया करके रोटियाँ पकती हैं ना, कच्ची रहती हैं। कभी भी हो मक्के की रोटी चूल्हे में ही बनाना चाहिए, बहुत अच्छी बनती है। सेक लेते हैं अब रोटी को चूल्हे में, तवे को हम थोड़ा सा साइड रखेंगे। निकाल देते हैं, रोटी हमारी बनके तैयार है। थोड़ा सा ऐसे करेंगे, कितनी बढ़िया पक गई है देखिए। अब लगाएंगे इसके ऊपर से घी या बटर। अब मक्के की रोटी में लगाएंगे बटर, गरम गरम में ही बटर, और या घी आप जो भी लगा सकते हो, पर मैंने लगाया है बटर। हाँ बटर पिघलेगा अपना, अभी ऐसे ढक के। मक्के दी रोटी सरसों दा साग, इसके साथ मिल जाए लस्सी का गिलास, वाह क्या बात। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करना, फॉलो जरूर करना, बहुत मेहनत लगी है। एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यूट्यूब में जाके। तो आपको दिखाते हैं कैसा शानदार बना है हमारी मक्के दी रोटी, और पसंद आई तो लाइक फॉलो ज़रूर कर देना। तो सी, तो लीजिए ये आपके लिए। रेसिपी पसंद आई तो लाइक फॉलो जरूर कर देना। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।